नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा, सीएम को किया जाएगा सम्मानित। कला शिक्षा सहायक करेंगे सम्मानित। 2010 में हरियाणा में हुई थी टीचर्स भर्ती। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। 816 ड्राइंग टीचर्स की हुई थी भर्ती। 11 साल बाद ड्राइंग टीचर्स को हटाया गया था। एससी में मामला पहुंचने के बाद हटाया गया था। हरियाणा सरकार ने सभी ड्राइंग टीचर्स की भर्ती की। 2010 में हरियाणा में हुई थी टीचर्स भर्ती। कला शिक्षा सहायक के पद के लिए भी नियुक्ति भी। और करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कौशल रोजगार स्कीम के तहत हुई भर्ती। कला शिक्षा सहायक के पद पर किया गया नियुक्त। 11 साल बाद ड्राइंग टीचर्स को हटाया गया था। कौशल रोजगार स्कीम के तहत हुई भर्ती। कला शिक्षा सहायक के पद पर भी भर्ती। 11 साल बाद ड्राइंग टीचर्स को हटाया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कौशल रोजगार स्कीम के तहत भर्ती हुई। कला शिक्षा सहायक के पद पर किया गया था नियुक्त। तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां पर सीएम मनोहर लाल का सम्मान। मुख्यमंत्री मनोहर का करनाल दौरा है। सीएम को सम्मानित किया हुआ। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। रविवार को जम्मू दौरे पर रहेंगे सीएम। माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे सीएम। सीएम मनोहर लाल माता के करेंगे दर्शन। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे सीएम। सीएम मनोहर लाल माता के करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इस वक्त की बड़ी खबर। रविवार को जम्मू दौरे पर रहेंगे सीएम। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को जम्मू दौरे पर रहेंगे सीएम। माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा करेंगे और माता के दर्शन करेंगे सीएम मनोहर लाल। जम्मू कश्मीर दौरे पर सीएम मनोहर लाल रहेंगे। रविवार को जम्मू दौरे पर जाएंगे सीएम। माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे सीएम, जहां पर माता के दर्शन करेंगे। वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता का बयान सामने आया है। जमीनी विवाद पर बोले ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा विधानसभा के नए भवन पर आपत्ति क्यों? हक की मांग करने पर पंजाब में होती है बयानबाजी। वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा की अलग इमारत हमारी जरूरत है। गठन के समय 54 विधायक थे, आज 90 विधायक हैं। 2026 में परसीमन के बाद 25 और 30 होंगे और हमारे विधायकों के बैठने के लिए जगह नहीं। पंजाब ने रोक रखे हैं हमारे 40 कमरे। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंडीगढ़ से, जहां पर गठन के समय 54 विधायक थे, आज 90 विधायक हैं। 2026 में परसीमन के बाद 25 से 30 विधायक होंगे और हमारे विधायकों के बैठने के लिए जगह नहीं है। चलिए अब खबर का रुख करते हैं। सोनीपत में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यक्ति एवं राष्ट्र
के निर्माण के विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 35 साल बाद पहले ऐसे पीएम मिले हैं जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया और सभी छात्रों से देश के विकास में सहयोग करने की अपील की। बहुत ही महत्व की बात, शिक्षक की भूमिका के साथ साथ विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए, विद्यार्थियों का भूमिका भी चाहिए। तो विद्यार्थियों की भूमिका निर्माण करने वाले ही हमारे उपाध्याय है। उपाध्याय यानी हमारे लिए गुरु है, गुरु का स्थान है। भारत में इंग्लिश में कहा जाता है मास्टर, मास्टर बोले तो मास, MASS मास, मास मीन्स मनी, धर मीन्स लेके जाने वाला, तीसरा बोले तो केवल धंधा लेके जाने वाला, ये भावना है। अतिथियों का स्वागत करता है विश्वविद्यालय परिसर में आने पर। उधर करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट की हड़ताल लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि बॉन्ड पॉलिसी विरोध में स्टूडेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी। हालांकि इससे पहले सभी रेजिडेंट डॉक्टरों ने लिखित में बॉन्ड पॉलिसी को लेकर चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देने की बात कही। वहीं रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को 48 घंटे की वक्त दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर सरकार 48 घंटे के बीच MBBS विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर कोई रास्ता नहीं निकालती है तो अपनी आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह से बंद। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में यह प्रदर्शन, यहां पर छात्रों की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा गया कि 48 घंटे के अंदर अगर बातचीत नहीं की गई तो आपातकालीन सेवाएं भी बंद कर दें। ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह से बंद, यहां पर स्टूडेंट की हड़ताल लगातार जारी है क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उधर सोनीपत में ड्रेन नंबर 6 पर पिछले कई सालों से लगातार काम बाधित हो रहा है और अब एक बार फिर कार्य सुचारू कराने के लिए सोनीपत के नगर निगम के अधिकारी और नगर निगम के मेयर निखिल मदान निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौके पर स्थानीय लोगों के घरों के बाहरी हिस्से को तोड़े जाने को लेकर शिकायतें भी की। हालांकि मौके पर जिनके घर तोड़े गए उन्हें आश्वासन भी दिया गया और कार्य पूरे होने के बाद उनके घर पर भी मरम्मत कार्य कराया जाएगा। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम में 5 लोगों को एक कमेटी बनाई जो सुरक्षा के इंतजाम के मद्देनजर लोगों की समस्या को नगर निगम को अवगत कराएगी। वाले आने जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे स्कूल में आने जाने परेशान हो रहे हैं और आज दीवार गिर गई हमारी, हम इतने परेशान हो रहे हैं, वहाँ काम चालू भी नहीं होया अभी तक और खोद के रख दिया दरवाजे के आगे बिल्कुल ही, हम इतने परेशान हो रहे हैं। सरकार का क्या कर रही है, सुरक्षा के कोई इंतजाम है? कुछ भी सुरक्षा का इंतजाम नहीं है जी, कुछ भी नहीं है। आपका क्या कहेंगे? हाँ, क्या दिक्कत परेशानी हो रही है? मकान तोड़ गए, ऐसे हो रही है मकान टूट गए, लड़का भी नहीं है, लड़के छोटा सा बच्चा है उसका, उसके साथ मैं पड़ी हूँ, मकान टूट गया हमारा, अब किराए पे धक्के खा रहे हैं, कहीं कोई कौन ही बच्चा है छोटा, इसको कहाँ लेके जाऊँ मैं, बाप नहीं है माँ भी नहीं है इसकी। सुरक्षा के नाम पे तो अभी भी मेरे साहब ने आदेश जारी करे हैं कि रात को यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी लगाए जाएंगे
और इस पे ये अपने मॉनिटरिंग भी करेंगे ठेकेदार। और दूसरा मैं पार्षद के अलावा इस आसियाना बचाव संघर्ष समिति का उपाध्यक्ष भी हूँ। इस नाते मैं आप प्रशासन से हमने आज अपील की थी कि जो तोड़ फोड़ इधर हुई है ये इसको कम से कम किया जाए। एक पास आज कमिश्नर साहब और मेयर साहब से मिलकर हमने एक कमेटी का गठन करके कल हम आपको नाम दे देंगे। पर जो काम चल रहा है ड्रेन नंबर 6 को पक्का करने का, पहली बात तो ये है कि हम चाहते हैं ड्रेन नंबर 6 का कार्य पिछले कई सालों से रुका पड़ा था इस एरिया में। यहाँ के लोगों ने हमारे साथ पूरी सहमति दिखाकर ये काम चालू करवाया गया था। एक एरिया पर्टिकुलर ऐसा आया था जहाँ पर जगह हमें कम पड़ रही थी और जो साइडों में घर थे कुछ जगह से घर के कुछ कमरे हटाने पड़ने का रास्ता था या कुछ उनका रास्ता तोड़ने की बात थी। तो ऐसी यहाँ पर कुछ चीज़ें हुई, ऐसी मूवमेंट हुई थी जिनसे कुछ नुकसान भी हुआ यहाँ के लोगों को। ये अमृत स्कीम के तहत किया जा रहा है तो इसमें कई लोगों ने क्या है सरकारी भूमि पर इसका अतिक्रमण किया हुआ तो इसको बनाने के लिए अभी जमीन तो चाहिए। अब तक तो जैसा पड़ा था उस ढंग से इनका काम चल रहा था लेकिन अब एक बार ड्रेन डाइवर्सन जो किया उसकी वजह से इन लोगों को कुछ मकान भी हमारे जो ज़्यादा अंदर आए हुए थे उनको थोड़ा निकालना पड़ा। ऐसे 10-12 मकान ऐसे हैं जिनका वो निकालना पड़ा तो लेकिन फिर भी जैसे ही कार्य पूरा हो जाएगा इनका लेवल करा दिया जाएगा जो जमीन खोदी गई। देख रहे हैं इनको, दिखा रहे हैं और चेक कर रहे हैं। अभी तक सहमति की जहाँ तक बात है अभी तो कोई सहमति की बात नहीं हुई है। क्यों नहीं सहमति की बात है? जब तक ये प्रॉपर तरीके से कोई सुरक्षा के इंतजाम और जिस प्रकार से 70 फुट के दायरे में इन्होंने काम करना था उस पार्क का वो लागू नहीं कर देते जब तक हम सहमत नहीं है। और ये कमिश्नर ने मैं जरूर बताया भाई एक तालमेल कमेटी जो बनाने की बात है ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी मौके पर जो बात है अभी तक पूरी तरह हमारी कोई बात ऐसी निमटी नहीं है। अभी हम सेफ्टी का भी और उस पॉइंट को हम उठा रहे हैं। उधर अवैध रूप से माइनिंग करने फर्जी ई रवाना से राजस्व को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने के आरोप में यमुनानगर के खनन अधिकारी ने 45 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज करवाया है जिसमें एक स्क्रीनिंग प्लांट और स्टोन क्रेशर के मालिक और उनके पार्टनर भी शामिल हैं। इस फर्जीवाड़े के जरिए सरकार को पिछले काफी समय से चूना लगाया जा रहा था। जिले में सामने आया खनन घोटाला। ये जो रिकॉर्ड इन्होंने अपने कच्चा रिकॉर्ड जो मेंटेन किया हुआ था रजिस्टर में उसके हिसाब से जब हमने इसका आकलन किया तो 2,04,035 मैट्रिक टन की क्वांटिटी को अवैध रूप से इन्होंने खनिज का खनन करके प्राप्त किया था और 2,04,035 टन खनिज की केवल अगर हम रॉयल्टी का विभाग के नियमों के अनुसार आकलन करें तो वो 1,02,01,750 रुपये बनती है। कल माइनिंग का परियोजना नगर से दरखास्त प्राप्त हुई कि आर आर स्टोन क्रेशर है जिसका मालिक राहुल नेहरा सनखेड़ा और अनिल कुमार करनाल और इसके साथ अन्य 23-47 के खिलाफ दर्ज हुई है। मुकदमा दर्ज कर लिया है 431 अंडर सेक्शन 21 माइनिंग एक्ट 379 ICC तफ्तीश जारी। उधर सोनीपत में 20वां मिल बहादुरगढ़ रोड पर जेएस क्लॉथ हाउस में सुबह अज्ञात कारणों से आग लग गई। गांव सेवली निवासी जसवीर सिंह ने 20वां मिल में जेएस क्लॉथ हाउस के नाम से दुकान कर रखी है जिसमें सुबह करीब 5:30 बजे उन्हें आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और परिवार के सदस्यों के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक आग काफी भड़क चुकी थी। उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से भी आग पर काबू पाने का प्रयास किया लेकिन अंदर कपड़ा होने के चलते आग भीषण रूप ले चुकी थी। दुकानदार जसवीर ने बताया कि आग से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। तो कपड़े की दुकान में आग लगी, तस्वीर आपके सामने है। आग लगने से भारी नुकसान यहां पर हुआ। बता दें कि जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। काफी नुकसान हो गया ये रोजगार का।
क्या किस चीज की दुकान थी? ये कपड़े का शोरूम। तो कैसे कंट्रोल हुई, कितनी फायर की गाड़ी आई, कोई मदद? फायर की गाड़ी आई। के सामने आप देख सकते हैं कपड़े की दुकान में कितनी भीषण आग। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि किस तरीके से देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कपड़े की दुकान में आग लगी। आग लगने से भारी नुकसान यहां पर देखने को मिला। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। दमकल ने आग पर काबू पाया। कपड़े की दुकान में ये आग लगी। सोनीपत से एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर दमकल विभाग को जिसकी सूचना दी गई, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर काम करने का लोगों को आश्वासन दिया। आपको बता दें कि बीते दिनों शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा गांव शामणी में जहरीली शराब पीने से मौतें हुई थी। पानीपत शराब फैक्ट्री से एक गार्ड ने 2 लीटर ऑर्डर लेस पदार्थ वहां से उठाया, जो केमिकल था, उसके सेवन से उन लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पानीपत शराब फैक्ट्री का टोटल क्लीनअप के लिए उपायुक्त के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। जो पानीपत शराब फैक्ट्री है वह 1 साल पहले बंद कर दी गई थी। अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, साथ ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में सख्त से सख्त जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। जहरीली शराब से मौत का यह पूरा मामला है। पानीपत की डिस्टिलरी जो है, वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने 2 लीटर की एक कोई प्लास्टिक की बोतल में ऑर्डरलेस लिक्विड वहां से उठाया, जो कि कोई केमिकल था, उसको लाकर उसका सेवन किया और उसके सेवन से उन लोगों की डेथ हुई। ऑलरेडी पूरी पानीपत डिस्टिलरी को इमीडिएट क्लीनअप के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो डिस्टिलरी थी जिसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया था। आज उसके पास ना तो लाइसेंस है और प्रेमिसेस बंद थे। उसके ऊपर इंक्वायरी कराई जाएगी कि सील होने के बावजूद भी वहां से कैसे इस तरह का लिक्विड बाहर आया है। उधर चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्य सचिव स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 का हरियाणा में तीव्र गति से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पिछले साल की तरह ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहेगा। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक सभी सुधारों और सेवाओं के संबंधित यूजर डाटा को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के साथ साझा करें। फिलहाल 30 नवंबर तक भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।